हेलो एवरीवन आई एम रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्लोविथ रिया आई जस्ट होप आप सब अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल क्योंकि यहाँ पे मैं बातें करती हूँ स्किन के ब्यूटी एंड फैशन रिलेटेड टॉपिक्स पे सो so विंटर्स है अभी एंड हम अपने कंबल से बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे बट स्किन का क्या करें स्किन बहुत ड्राई हो जाती है वो वाइट वाइट बहुत ज्यादा ड्राइनेस निकलने लगता है स्किन का लेर निकलने लगता है एंड इससे जो है ना हम बहुत परेशान रहते हैं बहुत वरे हो जाते हैं बहुत कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम क्या करें तो हमें ना अपना स्किन केयर रूटीन ना अच्छे से करना चाहिए सो so, मैं लेके आई हूं विंटर स्किन केयर रूटीन जिससे आप इस विंटर फॉलो कर सकते हो एंड काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड काफी इजी स्टेप है बिल्कुल भी आप मैं समझ सकती हूं आप जितना विंटर में लेजी हो ना वो बिल्कुल भी दूर करने की जरूरत नहीं है आप उस लेजीनेस के साथ-साथ इसको कर सकते हो सो so, स्किन केयर का हमारा फर्स्ट स्टेप होता है फेस वॉश तो गाइस आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी फेस वॉश जो यूज कर रहे हो उसको यूज करना है आपको मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं ये प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश यूज कर रही हूं अगर आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इस फेस वॉश के लिए जा सकते हो ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है तो ठंडी से बच बच के मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड बहुत ज्यादा ठंडा था पानी बहुत ज्यादा ठंडा था लिटरली बहुत ज्यादा सो so, आपको भी ऐसे कुछ आप थोड़ा सा ना ल्यूक वॉर्म वाटर से भी फेस वॉश कर सकते हो ज्यादा वॉर्म वाटर से फेस वॉश बिल्कुल मत करना फेस वॉश आप कभी भी स्किप मत करना क्योंकि वो हमारे स्किन केयर का फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेस वॉश से हमारा स्किन जो है काफी क्लेंज होता है एंड काफ़ी रिलीफ फील करता है बहुत ही अच्छा फ्रेश लगता है फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड स्टेप की तरह बढ़ते हैं सेकंड स्टेप है टोनर एंड टोनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ द ट्राइव गो का पोर मिनिमाइजिंग हाइड्रेटिंग अल्टीमेट टोनर ये गाइस बहुत ही अच्छा है और जैसे मैंने बताया मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है अगर आपको पोज की प्रॉब्लम है तो ये पोर मिनिमाइजिंग टोनर है आपके पोर्स को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड इसका जो प्राइस है वो 847 फोर्टी सेवन पर आपको प्रोवाइड हो जाता है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो ये टोनर लगाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है काफ़ी रिफ्रेशमेंट फील होता है एंड आई जस्ट लव दिस रिसेंटली मैंने इसको स्टार्ट किया है यूज़ करना है एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये टू फिफ्टी का ऐसा मिलता है एंड इसमें एलरॉनिक एसिड भी है सो so ये बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छे एक्टिव सेल्स मैन बहुत अमेजिंग टोनर है डोनर के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सिरम का थर्ड जो स्किन केयर का स्टेप होता है सिरम हमारे स्किन को काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ग्लो प्रोवाइड करता है अगर आपके फेस में कोई प्रॉब्लम है हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह तो आप सिरम यूज़ करके काफ़ी अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो सो so, कभी भी आपको ना सिरम के जो ड्रॉप है ना उसको डायरेक्टली स्किन पर टच नहीं करना है आपको दो से तीन ड्रॉप अपने हाथ पे लेना है एंड उसके बाद अच्छे से डैप टैप करना है आपको ड्रैग नहीं करना है सिरम को काफ़ी अच्छे से डैप टैप 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 करके एंड पूरे अच्छे से फेस पे लगाना है एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो ना आप सिरम से ख़त्म कर सकते हो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आप नेक पे लगा सकते हो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे मॉइस्चराइज़र का अगर आप सिरम स्किप भी कर देते हो तो मॉइस्चराइज़र तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि विंटर्स स्किन केयर है एंड विंटर्स में हमारी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा वाइट वाइट कास्ट आने लगते हैं सो इसीलिए मॉइस्चराइज़र हमें इनफैक्ट ज़्यादा लगाना चाहिए भर भर के लगाना चाहिए जिससे हमारी स्किन को अच्छा हाइड्रेशन मिले एंड अच्छे तरह से वो मॉइस्चराइज रहे सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद आप थोड़ी देर तक स्किन पर रहने देना इस बीच आप अपना लिप बाम यूज़ कर सक

वगैरह उतना है नहीं तो हम सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे बट ये बहुत ही गलत फहमी है आपकी आपको सनस्क्रीन यूज़ करना विंटर्स में भी मस्ट है आपको डे टाइम में सनस्क्रीन यूज़ करना ही चाहिए आपको सनस्क्रीन को अच्छे से लेयर अप करना होता है और बहुत ही अच्छे से हाँ आप समर्स में जितना भर भर के लगाते हो उतना आप नहीं लगाओ बट सनस्क्रीन यूज़ करना मस्ट है आप स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि चाहे धूप ना हो बट रेज आपके फ़ोन की रेज आपके लैपटॉप का रेस लाइट का रेस सब कुछ है तो इसीलिए स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है एंड प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है तो इसी बहाने वीडियोस बनाने के बहाने मेरा स्किन केयर तो आज का कंप्लीट हो चुका है एंड मेरी स्किन भी काफ़ी ग्लो कर रही है आप देख सकते हो जैसे मैंने स्टार्ट किया था बिना कुछ लगा एंड स्किन केयर करने के बाद कितना अच्छा जैसे लाइट जा रहा है ना तो कितने अच्छे से लाइट वो ग्लो कर रहा है मेरा स्किन तो ग्लोइंग के लिए ना आपको कोई मेकअप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आप अपना स्किन केयर काफ़ी अच्छे से रोज़ करो हम ज़्यादा मेकअप पे ध्यान देते हैं बट हमें ज़्यादा स्किन केयर पे ध्यान देना चाहिए सो so, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो एंड गाइज विंटर्स है तो प्लीज़ स्किन केयर स्किप मत करना एंड बाय बाय